हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एडसेंस में रिसेंटली ऐड हुए एक नए फीचर के बारे में बताएंगे जिसका नाम है एडसेंस ऑटो एड्स। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है और वहाँ पर आप एडसेंस के ऐड लगाकर कुछ अर्निंग करते हैं, या फिर अगर आप एक नई वर्डप्रेस की वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं और एडसेंस से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एडसेंस ऑटो एड्स क्या है, इसे आप अपनी वेबसाइट में कैसे लगा सकते हैं और कैसे आप अपनी अर्निंग को डबल या फिर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट है और उससे आप अपनी वेबसाइट पर एड्स को शो करवाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना होता है, आपको अपने एडसेंस अकाउंट में जाकर एड यूनिट्स को जनरेट करना पड़ता है और उन्हें अपनी वेबसाइट में हेडर में, फुटर में या फिर पोस्ट में अलग अलग जगहों पर डालना पड़ता है। उसके बाद ही आपकी उन जगहों पर एडसेंस की जो एड्स है वो शो होने लग जाती है। लेकिन अब एडसेंस ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया, एडसेंस ऑटो एड। तो इसमें क्या होगा, आपको केवल एक ही एड यूनिट जनरेट करना पड़ेगा और उस कोड को आपको अपनी वेबसाइट में डाल देना है। तो इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है और गूगल आपकी पूरी साइट को स्कैन कर लेगा और उसके बाद जहाँ पर भी सूटेबल प्लेस होगा एड्स को शो करने का, गूगल ऑटोमेटिकली वहाँ पर एड्स को शो करेगा। आपको अलग अलग जगहों पर हेडर में, फुटर में, फिर पोस्ट में अपने एड यूनिट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैसे होगा, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, ऑटो एड्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको माय एड्स पर जाना है। माय एड्स पर जाने के बाद आपको ऑटो एड्स पर जाना है। दोस्तों, जैसे आप ऑटो एड्स पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे एड फॉर्मेट्स देखेंगे, आपको 4 या 5 यहाँ पर एड फॉर्मेट्स मिलेंगे। तो ये सभी आपके एडसेंस में ऑफ होंगे, तो आपको सिंपली इन सभी को यहाँ से इस तरीके से ऑन कर लेना है। अगर आपके ऑफ है तो आपको ऑन कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। और उसके बाद आपको नीचे जो ऑटोमेटिकली गेट न्यू फॉर्मेट, इस पर टिक मार्क कर देना है और इसे सेव कर देना है। तो जैसे आप इसे सेव करते हैं तो आप इस तरह का एक पेज आपके सामने खुलेगा जहाँ पर आपको एक कोड दिया होगा। तो आपको सिंपली इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो दोस्तों, इससे कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपको जाना है अपीयरेंस में, उसके नीचे आपको मिलेगा एडिटर, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसे आप थीम एडिटर में आ जाएंगे तो आपको इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा थीम फाइल्स। तो इसके अंदर आपको हेडर डॉट पी एच पी को ढूंढना है। तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको नीचे की तरफ मिलेगा हेडर डॉट पी एच पी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हेडर डॉट पी एच पी यहाँ पर है, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो हेडर का जो पी एच पी फॉर्मेट होगा वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए इस पेज को, और यहाँ पर आपको इस तरह का एक लिखा हुआ नज़र आएगा हेड टैग, और इसके नीचे आपको एक और मिलेगा ये हेड। यानी ये तो आपका ओपन हेड है, जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर हेड, ये आपका ओपन हेड है, और ये वाला जो हेड दिख रहा है आपको, ये आपका क्लोज हेड है। तो आपको इस जो कोड आपने कॉपी किया तो वो आपको ओपन हेड के पास पेस्ट करना है। तो आपके सिंपली कर्सर पर क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल वी से इस कोड को पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इस कोड को पेस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरा जो कोड है यहाँ पर आ रहा है। तो आपको, आप देख लीजिए, हेड के आगे आपको इस कोड को पेस्ट करना है। तो इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको नीचे सिंपली ऑप्शन मिलता है अपडेट फाइल का, तो यहाँ से अपडेट फाइल पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है अपडेट हो जाएगी और ये जो कोड है आपकी वेबसाइट में लग जाएगा। तो इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक वेट करना है। तो 15 से 20 मिनट तक आपकी वेबसाइट पर कोई भी ऐड नहीं आएगा। तो इतने टाइम में गूगल आपकी वेबसाइट को स्कैन कर लेगा और उसके बाद आपकी वेबसाइट में सब जगह जहाँ पर भी सूटेबल फॉर्मेट होगा एड्स का, वहाँ पर ऑटोमेटिकली एड्स आने लग जाएंगे। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट में देख सकते हैं, यहाँ ऊपर एक ऐड आ रही है, उसके बाद आप देख सकते हैं ऐड यहाँ थोड़े एक पोस्ट के नीचे यहाँ पर ऐड आ रही है, पोस्ट के अंदर एक और ऐड आ रही है पोस्ट में, और नीचे स्क्रॉल करें तो एक ऐड यहाँ पर आ रही है, और आप देख पाएंगे एक ऐड यहाँ पर भी आ रही है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली गूगल ऐड लगाएगा आपकी वेबसाइट पर। आपको कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, बस इस एक कोड को अपनी वेबसाइट के थीम के अंदर पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद जो बाकी सारा काम है वो गूगल कर लेगा आपके अंदर। तो गूगल काफ़ी लेटेस्ट फीचर है और अभी भी आया, तो आप इसके एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए और आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आपकी अर्निंग पर जो है इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी ज़रूर रहेगा। तो इसे एक लाइक और शेयर ज़रूर दीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक और नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।